भारतीय गौ क्रांति मंच ने केंद्र सरकार से बहुसंख्यक समुदाय की आस्था व भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग उठाई है। धेनु मानस गौ कथा के प्रवचन के लिए शिमला पहुंचे आचार्य गोपाल मणि ने केंद्र सरकार से गौ मंत्रालय स्थापित करने की भी मांग की। बीते करीब एक दशक से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए संघर्षरत भारतीय गौ क्रांति मंच ने एक बार फिर गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की पुरजोर वकालत करते हुए केंद्र सरकार से गौ मंत्रालय बनाने की मांग उठाई है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान गौ गंगा कृपाकांक्षी आचार्य गोपाल मणि ने सरकार से बहुसंख्यक समुदाय की आस्था व भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग उठाई। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक भीष्म पंचक शुभ मुहूर्त में शिमला के राम मंदिर में धेनु मानस गौ कथा का प्रवचन करने शिमला पहुंचे आचार्य गोपाल मणि ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने संबंधी प्रस्ताव केंद्र को भेजने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड राज्य की सरकारों का आभार भी जताया और साथ ही अन्य राज्यों से भी उसी तरह का प्रस्ताव भेजकर केंद्र पर इस कार्य को अंजाम देने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में गौ माता को पशु का दर्जा दिलाने के बाद पूरे देश में गौ माता का जो निरादर हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के बहुसंख्यक समाज को एक बार फिर एकजुट होना होगा ताकि अपने पुरातन वैभव को पुनर्जीवित किया जा सके। आचार्य ने कहा कि वो शिमला के राम मंदिर में धेनु मानस गौ कथा व जन जागरण के माध्यम से जनता जनार्दन को गौ माता के वैज्ञानिक आध्यात्मिक धार्मिक लौकिक और अलौकिक सभी पक्षों को रखेंगे ताकि सभी ये जान सके कि गाय पशु से अलग कैसे हैं। गौ मंत्रालय की स्थापना की वकालत करते हुए आचार्य गोपाल मणि ने कहा कि गौ माता राष्ट्र माता और गौ मंत्रालय एक दूसरे के पूरक हैं और गौ मंत्रालय बनने से जहां गाय को माँ का दर्जा मिल पाएगा वहीं देश भर के हर गाँव में 10 युवाओं व 10 युवतियों की सरकारी स्तर पर नियुक्ति से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय गौ क्रांति मंच पूरे देश को गोकुल धाम बनाना चाहता है और इसके लिए हर व्यक्ति के सहयोग की दरकार है। गौ माता को धार्मिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पशवो न गावः, उसको कहीं भी पशु की संज्ञा नहीं दी गई है। हमारे वेद पुराण उपनिषद गाय को माता का सम्मान देते हैं, इसलिए इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए ये भारतवर्ष तुरंत अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। ये कार्य हम हिमाचल प्रदेश की जो यहाँ की विधानसभा है, यहाँ की जो सरकार है, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रस्ताव को हिमाचल विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके केंद्र को भेजा है और इसके साथ साथ उत्तराखंड विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से इसको पास करके केंद्र को भेजा है। अब हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि वो अविलंब गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दे। इस बात को लेकर के, इस विचार को लेकर के हम पूरे देश के 676 जिलों में चले गए हैं, 29 राज्यों की राजधानियों में चले गए हैं, एक एक बार नहीं अब दो दो बार जा रहे हैं और आज हम जो ये श्यामला नगरी है, जो हिमाचल नगरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसमें आए हैं। 5 दिन तक हम जन जागरण करेंगे यहाँ धेनु मानस गौ कथा के माध्यम से, जो यहाँ का प्रसिद्ध सिद्ध राम मंदिर है उसके कक्ष में 5 दिवसीय ये धेनु मानस गौ कथा का आयोजन किया गया है और उसमें हम 1 बजे से 5 बजे तक इसका जन जागरण करेंगे। इसका वैज्ञानिक पक्ष रखेंगे, इसका आध्यात्मिक पक्ष रखेंगे, इसका धार्मिक पक्ष रखेंगे, इसका लौकिक पक्ष रखेंगे, इसका अलौकिक पक्ष रखेंगे और भारत में क्या गाय का स्थान था और क्या आज इन लोगों ने कर दिया, ये सारी बातें हम बताएंगे। इसलिए इस आप लोगों के माध्यम से हम इस हिमाचल की पूरी जनता का ये आह्वान करते हैं कि इतने बड़े महत कार्य में आप सबकी सहभागिता चाहिए और आप सबका सहयोग चाहिए और निश्चित रूप से इन विचारों को प्रसारित करने में आप सबकी मुख्य भूमिका है। हम आप देश में जब स्थापित होगा तो निश्चित रूप से गाय अपने आप पशु से अलग हो गई, तो गौ मंत्रालय, तो जब गौ माता राष्ट्र माता होगी तो गौ मंत्रालय बनाना, ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे का, अन्योन्याश्रय संबंध है। तो गौ मंत्रालय बनेगा, प्रत्येक गांव में कम से कम 10 युवा और 10 युवतियां सरकारी गौ सेवक सेविक और गौ सेविका के रूप में उनका जो है सरकार के द्वारा जो है उनकी नियुक्तियां हों और प्रत्येक गांव में किसानों को गाय के गोबर का मूल्य दिया जाए, कम से कम 10 रुपये मूल्य दिया जाए और इस देश के हर खेत में गाय के गोबर की खाद का ही वितरण हो, छिड़काव हो और इस देश में गोबर गैस
के प्लांट लगे, उस गोबर गैस से इस देश के चूल्हे जले, गोबर गैस से इस देश की मोटर गाड़ियां चले, इस देश के 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध उपलब्ध हो, जिससे कि इस देश में हम राम और कृष्ण को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष राम और कृष्ण का है। गोकुले राम केशव, और राम कृष्ण वही होंगे जहां गोकुल होगा। जब गाय नहीं होगी, गाय का दूध नहीं होगा, तो इस देश में गोकुल कैसे हो सकता है। तो ये हमारी सारी मांगे हैं और सरकार इन पर विचार करे। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ भारतीय गौ क्रांति मंच के सलाहकार हरिचंद गुप्ता और मंच से जुड़े अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।